नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सब का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासेस ले रहा हूं, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने आपको पहले से कंप्लीट कर दिया है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम सब ने कल एक तरीके से इसके फंडामेंटल्स को जाना, इसकी नब्ज को जाना कि किस इस सब्जेक्ट में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सेशंस में हम सब लोग जानेंगे कि क्या है ये सब्जेक्ट। और अब आप रुक नहीं सकते, अब सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है। हम सब लोग जान चुके हैं व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स कुछ नहीं था, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट था जो क्या कर रहा था, जो किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता था या चेंज करने का प्रयास करता था। सिंपल सी बात है। और अगर हम इसी मैकेनिक्स की बात करेंगे तो इसी को हम डायरेक्टली बोल देंगे डायरेक्टेड पुल और पुश ही फोर्स कहलाता है। डायरेक्टेड पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। दिशा की किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो खींचना या तो दबाना ही आपका क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो इस पर अभी हम लोग आएंगे, डायरेक्टेड पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, और फोर्स को डिफाइन करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत है उस पर भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कि फोर्स क्या था, क्यों फोर्स के पीछे पड़े हो भाई, क्यों? क्योंकि इस पूरे मैकेनिक्स की बेसिक यही है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सब लोग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी स्टडी ओनली व्हाट, ओनली फोर्स एंड देयर इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशंस ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तो बल और बल के प्रभाव को ही पढ़ना ही अगर है हमें, तो बल को तो डिटेल में जानना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज फोर्स, इस पर हम सब लोग की बात हो रही है। अब आगे हम सब लोग बढ़ते हैं कि फोर्स को और भी बातें समझें, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चैप्टर 1 का क्लास 2 है, क्लास 1 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और फिर बात आई कि फोर्स की बात हो चुकी है, तो डायरेक्टेड पुल और पुश ही आपका फोर्स होगा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बात है किसी ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी पदार्थ हो सकता है जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट या पदार्थ क्या है जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट मे बी गैस, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी सॉलिड स्टेट, पर आपका ऑब्जेक्ट में बॉडी वर्ड आपका पदार्थ, तो सिंपल सी बात है भाई, पदार्थ तो कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में भी सॉलिड लिक्विड गैस एनीथिंग, और ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, कुछ भी दैट कंटेन्स वॉल्यूम, दैट हैज मास, दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी फील्ड, एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस। तो ऑब्जेक्ट तो कुछ भी, पर बॉडी की बात आ गई, तो बॉडी यहाँ पर दो बातें आएंगी। बॉडी एक ऐसा कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉडी इज द मैटर, कोई एक पदार्थ है, मैटर है, कुछ भी है, दैट हैज मास, दैट हैज वॉल्यूम, दैट कैन बी टच्ड। बट ये ध्यान रखिए क्या क्या बात हो सकती, पिंड क्या है, व्हाट इज पिंड, क्योंकि अगर आप इसको जानते हैं बॉडी क्या है तो आप मैकेनिक्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आया कि पिंड क्या है, व्हाट इज बॉडी, तो बॉडी कुछ नहीं, एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, जो आयतन घेरता है, जिसका मास होता है। ये आपको जनरल बुक में मिल जाएगा, ये बातें तो आपको समझ में हर जगह मिल जाएंगे कि पिंड एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम छू सकते हैं, जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें मास होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है। तो ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगे, पर स्पेसिफिक बात बोलिए डायरेक्टली, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको टच किया ही सकता है, बट बॉडी अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सके, तो बॉडी इज द ऑब्जेक्ट, बॉडी इज द मैटर। तो मैटर और ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो वो सारी बातें अपने आप ही आ जा रहे हैं कि वॉल्यूम होगा, मास होगा, टच कर सकते हैं, ये सब एवरीथिंग आपका पहले से ही वो आ जा रहा है। बॉडी इज द ऑब्जेक्ट दैट टोटल मास कैन बी एज्यूम्ड एट अ पॉइंट,
टोटल मास कैन बी एज्यूम्ड एट अ पॉइंट। तो ऐसा एक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एक ऐसा पदार्थ जिसका टोटल मास एक पॉइंट पर एज्यूम किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज बॉडी, पिंड। जैसे अगर आपका ये मोबाइल फोन है, इसका टोटल मास हम एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, एक ही पॉइंट पर इसका कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। आगे हम बताएंगे उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो जिस एक पॉइंट पर अगर हम इसको एज्यूम कर सकते हैं एट अ पॉइंट, तो टोटल मास कैन बी एज्यूम्ड एट अ पॉइंट। पिंड एक ऐसा पदार्थ है, पिंड एक ऐसा मैटर है जिसका टोटल मास किसी एक पॉइंट पर एज्यूम किया जा सकता है। सिंपल सी बात, क्लियर? और दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। द पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना सब कुछ? तो बॉडी कुछ नहीं है। अब जैसे आपसे कोई कहे, क्या वाटर को बॉडी माना जा सकता है? क्या वाटर को बॉडी माना सकता है? गुरुजी नहीं, क्योंकि वाटर अगर इसमें रखा हुआ तो सेंटर ऑफ मास यही है। यही वाटर दूसरे ऑब्जेक्ट में गया तो दूसरी जगह सेंटर ऑफ मास, या फ्लो कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर नहीं मान सकते ना, वो फैल जाएगा। पर अगर सॉलिड है, देखिए गैस की बात करें तो गैस का भी सेंटर ऑफ मास एक जगह नहीं मान सकते, तो वो बॉडी नहीं है। सॉलिड बेसिकली आपका, सॉलिड ही आपका क्या होगा? बॉडी होगा। या लिक्विड भी अगर एक कन्फाइंड वॉल्यूम में बंधा हुआ है, अब इसी में जैसे यहाँ पर अभी नीचे इधर की तरफ तो सेंटर ऑफ मास कहीं, लेकिन ऐसे उलट दिए, अब बताओ अब सेंटर ऑफ मास और नीचे हो जाएगा कि नहीं? इसी में ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिए तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा कि नहीं? तो ऐसे में तो आपका इसका सेंटर ऑफ मास बदल जा रहा है ना। इसका हर समय पॉइंट क्या हो रहा है? पॉइंट सेंटर ऑफ मास बदल जा रहा है। वो ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड कर रहा है कि किस ओरिएंटेशन में चीजें हैं। तो इसलिए वाटर को इस समय हम सब लोग इसको बॉडी नहीं मान रहे। पर अगर ये किसी एक फिक्स वॉल्यूम में बंधा होता, अगर ये किसी फिक्स वॉल्यूम में बंधा होता तो हम इसको क्या कहते? हम इसको कह देते कि अरे सर ये तो एक फिक्स वॉल्यूम में बंधा है जिसका सेंटर ऑफ मास एक जगह फिक्स है, इसलिए क्या है, इसलिए एक बॉडी है। बात समझ में? तो जब आपका ऐसे जनरली देखिए, सॉलिड ही जनरली आपका क्या होता है? बॉडी होता है। पर फ्लूड भी बॉडी हो सकता है अगर वो किसी एक फिक्स वॉल्यूम में, और वो भी इनकम्प्रेसिबल हो। तो अगर मान ली फिक्स वॉल्यूम में है पर अगर प्रेशर बढ़ा है दब गया तो भी नहीं। इनकम्प्रेसिबल कन्फाइंड वॉल्यूम में फ्लूड हो तो बॉडी कही जा सकती है। जैसे आप अगर लिफ्ट में बात करें, हाइड्रोलिक लिफ्ट में बात करें, या जेसीबी मशीन में जितने फ्लूड भरे होते हैं तो हर वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में रहते हैं और वो दबते नहीं, वो कंप्रेसिबल नहीं। जब आप इधर धक्का देंगे दूसरी तरफ वो धक्का दे देगा किसी को। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है तो वो भी बॉडी माना जा सकता है। जनरली कोई भी ऐसा कुछ भी मैटर, कोई भी ऐसा आपका ऑब्जेक्ट जिसका टोटल मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सके और वो फिक्स भी रहे, ओरिएंटेशन पर डिपेंड ना करे, वही क्या कहलाएगा? बॉडी कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? इससे एक यह भी अप्रोच आता है कि हम अर्थ, इतनी बड़ी अर्थ को भी एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं। जब आप स्पेशियल एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप अर्थ को भी बॉडी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट अर्थ का टोटल मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। भले ही अर्थ बहुत छोटा तो नहीं है पर अर्थ को भी हम सब लोग क्या मानेंगे? बॉडी मानेंगे। जब एनालिसिस कर रहे होंगे, कोई बॉल ड्रॉप किया गया, अब बॉल एक्चुअल में बड़ा है, एक्चुअल में बॉल बड़ा है पर उसका टोटल मास तो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है ना, तो वही आपका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। और उसी के मोशन की बात करेंगे, पूरे बॉल से हमें कोई लेना देना है नहीं। सेंटर ऑफ मास कहां था, कहां आ गया, सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एनालिसिस के लिए। जैसे रॉड है तो रॉड आपका हॉरिजॉन्टल हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसे भी हो, पर उसका सेंटर मास एक जगह फिक्स होगा कि यहीं पर हम इसको कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। उसका आपको निकालने का तरीका
कैसे क्या होगा उस पर हम लोग सेकंड चैप्टर में बात करेंगे, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया के टर्म में। क्लियर हो गया? तो बॉडी एक ऐसा सिंपल ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा मैटर है जिसका टोटल मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अब बात आ गई कि भाई बॉडी, अब बॉडी के जैसे ग्लास को ही मान सकते हैं, बॉडी कोई दिक्कत नहीं, पानी वाटर को नहीं पर ग्लास को तो मान सकते हैं। इसका टोटल मास तो एक जगह फिक्स होगा, इसका सेंटर ऑफ मास एक जगह फिक्स होगा, चाहे घुमा दो चाहे जैसे मन के वैसे कर दो, आपका सेंटर ऑफ मास जहां है वही रहेगा, ओरिएंटेशन से चेंज नहीं होगा। ये अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं तो इससे चीजें बहुत आसान हो जाती है। आप पूरी एरोप्लेन को एक बॉडी मान के बात करते हैं, पूरे रेलवे, पूरा आप रेल इंजन को एक बॉडी मान के बात करते हैं, जबकि अगर बात किया जाए तो उस रेलवे, मतलब आपके एक डिब्बे में, ये कंपार्टमेंट में मल्टीपल बॉडीज असेंबल है, ढेर सारे लोग बैठे हैं, हर कोई एक अपने आप में बॉडी है। तो बॉडी एक शरीर को मत मानिएगा कि ये शरीर है तो बॉडी नहीं, पूरे पूरे ट्रेन को एक ही पॉइंट पर हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और वही इसलिए पूरी ट्रेन जो मूव कर रही है उसको एक बॉडी मान लेंगे। जैसे कार की ही बात करें तो कार में अगर आप देखें तो पूरा कार एक एक पार्ट अपने आप में बॉडी, पर पूरी कार की जब हम एनालिसिस करते हैं तो कार को एक सिंगल बॉडी एज्यूम करते हुए बात कर रहे होते, क्योंकि पूरा अगर आप देखें तो ओवरऑल मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। क्लियर हो गई ना बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर? अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, बॉडी की बात कर लिए तो बॉडी में बात आ गई, दो तरीके की बॉडी आ गई। बॉडी आपकी दो तरीके की, जो आप बेसिकली पढ़ेंगे जनरली, ठीक है? एक आपका आएगा रिजिड बॉडी और एक आपका क्या होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी। एक आपका दृढ़ पिंड और एक विरूपित पिंड। तो रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी? एक हम आपको मीनिंग बोल चुके हैं कि रिजिड जहां वर्ड आ जाए, जहां पर भी रिजिड आ जाए, रिजिड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आ जाए, रिजिड बॉडी आ जाए, मतलब जहां रिजिड वर्ड आ जाए उसकी एक जिद होगी, ये कंफर्म। आप बड़े रिजिड हो यार, आप बड़े जिद्दी हो, यही तो बात है। रिजिड का मतलब जिद है, किसी ना किसी चीज की क्या है, जिद है। तो जिद क्या है? तो रिजिड बॉडी आपकी क्या बात बताता है? रिजिड बॉडी देखिए, बॉडी है ऐसे, कोई भी बॉडी है, ये ढेर सारी मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होगी, ये कंफर्म है। कोई भी बॉडी ढेर सारी किससे मिलकर बनी होगी? मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होगी। अब सिंपल सी बात है, रिजिड बॉडी का मतलब नो डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन ना हो। रिजिड बॉडी ये कहता है कि नो डिफॉर्मेशन। तो गुरुजी किसका, किसको पड़ी हुई डिफॉर्मेशन की? डिफॉर्मेशन कौन होना चाहता? कोई नहीं होना चाहता, डिफॉर्मेबल बॉडी भी डिफॉर्म नहीं होना चाहती। पर ये अब यहां पे थोड़ा, नो डिफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड लगने के बाद भी कोई डिफॉर्मेशन ना हो तो वो क्या कहलाएगा? रिजिड बॉडी। अब यहीं पे वर्ड आया डिफॉर्मेशन क्या है, पहले छोटी छोटी बातें समझे। जैसे हम तो लोग समझिए बॉडी क्या है, कुछ नहीं गुरुजी, कोई भी मैटर जिसका हम टोटल मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सके, ये बात हो गई। जब ये बात हो गई तो यहीं से बात दो और आई, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी ने जिद ठान लिया कि लोड लगाने पर भी डिफॉर्मेशन ना, नो डिफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड। और लोड आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमने सोम में भी बताया, वैसे भी आप समझ लीजिए कि लोड आपका कंसंट्रेटेड हो सकता है और पॉइंट लोड हो सकता है, उसी में आपको बॉडी फोर्सेस और सरफेस फोर्सेस और उसी में आपका अप्लाइड और नॉन अप्लाइड फोर्सेस, कई चीजें हम आपको बताए होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने डिटेल में किया होगा तो उसमें हमने आपको लोड के बारे में भी डिटेल में कराया होगा, लेकिन आप फिर से समझ लीजिए, लोड, लोड दो तरीके का, अप्लाइड और नॉन अप्लाइड। बेसिक क्लासिफिकेशन इज दैट द लोड इज क्लासिफाइड, द लोड्स आर क्लासिफाइड इन बेसिकली इन टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज अप्लाइड एंड सेकेंड वन इज नॉन अप्लाइड फोर्सेस।
एंड व्हाट इज अप्लाइड फोर्सेस, जो कि अप्लाई करेंगे अदर आप कहीं ना कहीं दूसरे बॉडी से एक बॉडी पर लगा रहे हो। नॉन अप्लाइड आप लगाती नहीं, वो आ जाता है वो अपने आप। जैसे क्या है कि सेल्फ वेट की बात है, तो क्या सेल्फ वेट आप लगाते नहीं? सेल्फ वेट एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ द्वारा आपके बॉडी पर लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स ही है। सेल्फ वेट किसके द्वारा? अर्थ द्वारा आप पर या किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स ही है। पर एक्चुअल में ये हो चाहे ना, आप लगाओ लोड चाहे ना लगाओ, ये अपने आप आएगा। तो ये अप्लाइड नहीं है। सेल्फ वेट आपका नॉन अप्लाइड, रिएक्शंस कहीं पर आ गए तो रिएक्शन आपका नॉन अप्लाइड है, आप उसको लगाते नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। रिएक्शन आपका क्या हो गया? नॉन अप्लाइड फोर्स की कैटेगरी में आ गया। तो फोर्सेस आपका बेसिकली दो तरीके का, अप्लाइड और नॉन अप्लाइड। क्लियर है एवरीथिंग? अब अप्लाइड में आपका हो सकता है कि बॉडी फोर्सेस हो जो पूरे इंटायर वॉल्यूम में लग रहे हो, और ऐसे फोर्सेस जो आपके सरफेस पर लग रहे हो। लोड अप्लाइड नॉन अप्लाइड, नॉन अप्लाइड में आपका हो गया सेल्फ वेट एंड रिएक्शन, अप्लाइड में आपका आ गया बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस। बॉडी फोर्स आपका क्या रहा? तो बॉडी फोर्स आपका जो इंटायर वॉल्यूम में लग रहा होगा, जैसे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, बॉडी फोर्स इंटायर वॉल्यूम में लग रहा होगा, तो जैसे आपने क्या बात की, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर ली। क्लियर हो गया? इसी में आप सब लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर ली। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फोर्स की बात कर ली तो भी आपका बॉडी फोर्स होगा, इंटायर वॉल्यूम में लग रहा होगा। सरफेस फोर्स की बात करते हैं तो सरफेस फोर्स में आपका अप्लाइड और नॉन, सॉरी, कंसंट्रेटेड हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। सरफेस फोर्सेस आपका कंसंट्रेटेड हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और कंसंट्रेटेड में आपका मोमेंट भी हो सकता है और लोड भी, फोर्स भी हो सकता है। कंसंट्रेटेड फोर्स और कंसंट्रेटेड, जिसको पॉइंट लोड कहेंगे, कंसंट्रेटेड लोड को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट लोड भी कहते हैं। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट हो सकता है और कंसंट्रेटेड फोर्स भी हो सकता है। क्लियर? ऐसे अगर बॉडी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और यूनिफॉर्मली वेरिंग भी हो सकता है। तो लोड का फिर से एक रिवीजन करा दे रहे हैं, जो आपको हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले से करा रखे, फिर हम बॉडी पर फिर आएंगे, ठीक है? तो लोड को आपने बेसिकली अपने तरीके से डिफाइन किया, और भी कई तरीके हैं लोड। आप ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बात कर लो, तो एप्लीकेशन टाइम ड्यूरेशन की बात हो जाएगी, इंपैक्ट लोड, ग्रेजुअल लोड, फिर उसके बाद सडन लोड। तो आपका नजरिया क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, कि आप किस बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, ठीक है, तो आपका फर्स्ट इज अप्लाइड, अप्लाइड लोड, फर्स्ट वन इज अप्लाइड लोड एंड सेकेंड वन इज नॉन अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड एंड नॉन अप्लाइड लोड, ठीक है। अब आपका अप्लाइड में भी आपका कई तरीके हो सकता है। बॉडी फोर्सेस, बॉडी फोर्सेस कुछ नहीं होते जो इंटायर वॉल्यूम में, जब भी बॉडी फोर्सेस आए तो अप्लाइड ऑन इंटायर वॉल्यूम, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। जैसे आप क्या करते थे, रेडियो के मैग्नेट को ब्रेक करके और एक मैग्नेट को बिना टच किए दूसरे मैग्नेट को ढकेलते थे, जादू दिखाते थे बचपन में, तो बचपन की जो जादूगरी थी ना, वही आपका एक्चुअल में क्या था, वही आपका बॉडी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता था, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटायर वॉल्यूम में लग रहा होता, किसी एक पॉइंट पर नहीं लग रहा होता। और इसके बाद आपका आ गया बॉडी फोर्सेस के बाद आपका आ गया सरफेस फोर्सेस, सरफेस लोड, ठीक है। नॉन अप्लाइड में आपका दो तरीके का लोड जनरली होता है, एक होता है सेल्फ वेट,
और एक आपका आ गया सपोर्ट रिएक्शन। और भी कई तरीके हैं नजरिए, ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लोड के। सपोर्ट रिएक्शन एक जनरल अप्रोच हम आपको बता दे रहे हैं और उसी के बाद आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। यहीं पे आपका जैसे आया दो तरीके का, एक आपका पॉइंट लोड को ही कंसंट्रेटेड भी कहते हैं, और एक आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट लोड को कंसंट्रेटेड लोड कहेंगे, और ये पॉइंट लोड दो तरीके का हो सकता है, पॉइंट फोर्स हो सकता है, पॉइंट मोमेंट भी हो सकता है। पॉइंट आपका क्या हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, और पॉइंट क्या हो सकता है आपका, मोमेंट भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट फोर्स एंड पॉइंट मोमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड में आपकी बात आ रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो सकता है, और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन ये है आपका कि लोड क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन यहीं पर, अब थोड़ा सा आप रिवाइज कर लिए होंगे, चीजें समझ में आ गई होंगी। इन सब चीजों पर हमने डिटेल में और भी डिस्कशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस में किया है। पुरानी क्लासेस आपको डिटेल में हमने करा दी हैं, ठीक है। एक दो बातें आप ध्यान रखिए, आपके डीआरडीओ का एग्जाम था, काफी लोग सिलेक्ट हुए, बड़ी खुशी की बात हुई। एसएससी जेई 2022 जो आपका 2022 का मेंस का पेपर लगा हुआ है, मेंस का आपका 26 फरवरी को पेपर लगा हुआ, तो उसके लिए मेहनत करें। और आपका एसएससी जेई 2023 का, SSJ 2023 का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है। सेमेस्टर क्लासेस जो भी कर रहे हैं, तो आप सेमेस्टर एग्जाम्स भी देते रहें, 2023 का भी पेपर आपका लगा हुआ है, उसके लिए आप तैयारी करें, बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी, रेगुलर क्लास करते रहें, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ये गारंटी है हमारी। तो अब अगला बॉडी फोर्सेस में, बॉडी क्या था, बॉडी क्लियर हुआ, बात आई रिजिड बॉडी। तो अगर हम लोड लगाएं, देखिए बॉडी रिजिड और क्लासिफिकेशन किस बात पर भाई, किस बात पर, तो आपको सर जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो, अरे यार तो किसमें डिफॉर्मेशन होता है, किसी में नहीं। जब लोड लगाएं तब भी डिफॉर्मेशन ना हो तब रिजिड बॉडी। ऐसी कोई बॉडी जिसको हम चाहें कि तोड़ मरोड़ दें, उसमें डिफॉर्मेशन कर देना चाहें और तब भी डिफॉर्मेशन ना हो, तो क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब ये जानेंगे कैसे, तो ऐसी बॉडीज, द बॉडी ऑन हिच देर इज नो डिफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ऐसी बॉडी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ लोड पर भी डिफॉर्मेशन ना हो, इज आर नोन एज रिजिड बॉडी, ठीक है। अब क्वेश्चन कि डिफॉर्मेशन क्या है, देखिए हर एक वर्ड्स को आपको क्लियर रहना है, और ये आपकी एक पहचान में होनी चाहिए कि हमें यहाँ सब्जेक्ट की हर एक बातों की समझ है, और ये चीजें रहनी चाहिए। जितने वर्ड्स आपको हम नए बताएंगे, हर एक वर्ड का आपको मीनिंग जरूर आना चाहिए। अब क्वेश्चन है व्हाट इज डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन ना हो ये कैसे हम जान पाएंगे डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। लोड लगाए, लोड लगाने के बाद हम किस बात को जान के तय करेंगे कि डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या ध्यान के तय करते हैं, आप जो तय करते हैं उसी के हिसाब से आंसर करिए हमें। आप क्या तय करते हैं, किस बात को ध्यान में रख के आप बता पाते हैं कि डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर बात आई डिफॉर्मेशन, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, डिफॉर्मेशन। अब तुरंत आप कहोगे व्हाट इज डिफॉर्मेशन, आप ही बताओ डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन क्या है ये बात कैसे जानोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, पहले आप ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट या बॉडी होगी उसमें दो चीजें होंगी, एक शेप होगा और एक साइज होगा।
कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, आपका चेहरा ही है, आपका फेस ही है, तो उसका एक शेप है और एक क्या है, साइज है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब शेप आकार और आकृति क्या है, तो ये आकार है, साइज जो है वो आकार है, ये ध्यान रखिएगा, और शेप जो है वो क्या है, आकृति है। अब ये क्या है गुरुजी, ये आप बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज, व्हाट इज, कई बार आप सब लोग कहेंगे अरे ये शेप है ये साइज है, तो शेप और साइज को आप डिटेल में बताइए, और आप जानते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं आता चीज़। जैसे आप एक बॉल का एग्जांपल लें, आसान तरीके से ही आप समझे तो बेहतर रहेगा, एक बॉल का एग्जांपल लें, और वो बॉल कई तरीके, जैसे बॉल का एग्जांपल, इसको अभी हम थोड़ा फिर पॉज कर दिए क्योंकि बातें बढ़ती जा रही हैं। बॉल, अब इसी बॉल में आपने कहा सर एक फुटबॉल है, एक आपका क्या है फुटबॉल है, एक आपका क्या है क्रिकेट बॉल है, एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट बॉल है, और एक आपका मान लीजिए टेनिस बॉल है, या कोई भी बॉल, टेनिस बॉल, हैंडबॉल मान लो, अब अगर ये अलग एक्सेट्रा आप कर लीजिए, कोई भी बॉल हो सकता है, आप अपने खेलने के लिए प्लास्टिक बॉल ले लिए, कैनवास बॉल ले लिए, अलग अलग चीज का, तो बॉल अगर बात करें तो बॉल का शेप कैसा है, तो शेप तो आप बात करेंगे, शेप अगर पूछा जाए तो इसका शेप जो है वो स्फेयर है, गोला है, कैसा है, स्फेरिकल है भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर है तो स्फेरिकल। आपका बॉल कैसा है, स्फेरिकल बॉल है शेप के हिसाब से, पर साइज क्या है, डिफरेंट है, साइज आपकी क्या है, डिफरेंट है। देखिए इससे आपको याद रहेगी और कोई बात नहीं है, तो साइज आपका क्या है, डिफरेंट है। बॉल आपने लिया, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, हैंडबॉल, जो भी बॉल लिया, सबका शेप जो है, हम उसका आकार नहीं बात कर रहे, आकृति की बात कर रहे, तो हर कोई गोलाकार है, हर कोई क्या है, स्फेरिकल है, पर हर किसी की डायमेंशंस, हर किसी की साइज अलग अलग है, हर किसी की साइज क्या है, अलग अलग है। बात एकदम क्लियर हो रही है ना, तो डायमेंशंस अलग हैं, शेप आपका क्या है, अलग अलग है, सॉरी शेप आपका सेम है, साइज अलग अलग है, फुटबॉल का अलग होगा, क्रिकेट बॉल का अलग होगा, हैंडबॉल का अलग होगा डायमेंशन। तो एक बात ध्यान दीजिए, क्या सोच के आपने अलग बोला और क्या सोच के सेम बोला, यहीं से आप अगर क्लियर कर पाए तो कर सकते हैं कि व्हाट इज शेप, व्हाट इज साइज। तो शेप देखिए सबको ही गोलाकार दिखा, तो एक बात ध्यान रखिए फिजिकल फॉर्म जो होगा, शेप क्या है, शेप आपका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस आपका क्या कहलाता है, शेप। भौतिक रूप से दिखावा जो है वो क्या है, शेप है। फिजिकली हमें हर कोई गोला दिख रहा है, बात खत्म, हमें अर्थ भी गोलाकार दिख रहा है, ऐसे एक्चुअल में ये आपका इलेक्ट्रिकल है, वो चपटा भी है, सारी चीजें बहुत आप पूरा पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो बात हमने इसलिए अर्थ को एग्जांपल में नहीं लिया है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो भौतिक रूप है, जो भौतिक स्वरूप है, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, शेप। तो फिजिकल अपीयरेंस आपका शेप बताता, मतलब शेप एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज शेप, एंड शेप इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। बट साइज क्या है, साइज आपका ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट इज नोन एज साइज। तो ये आपका ज्योमेट्रिक, एक एक वर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट,
ज्यामितीय मापन जो होगा वो क्या कहलाएगा? ज्यामितीय मापन, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज शेप, एंड ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज साइज। तो साइज इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट आपका साइज बताएगा, छोटा बड़ा ऐसे कुछ आप बताएंगे, और इसको कभी ना कभी आप टर्म्स में बताएंगे। जब भी मेजरमेंट करेंगे, जिस चीज का आप मेजरमेंट करेंगे वो आपका क्या होगा, वो किसी न किसी वैल्यू में बताएगा, जबकि शेप कोई वैल्यू नहीं होगी, शेप आपका कोई वैल्यूएबल, बस ये केवल अपीयरेंस की बात है भाई, ऐसा दिख रहा है, बात खत्म। इस तरह का दिख रहा है, बात खत्म। अब कितना बड़ा दिख रहा है वो बात का विषय है भाई। सिलेंडर तो सिलेंडर है, वो सिलेंडर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो सिलेंडर का कोई मापन नहीं है, सिलेंडर वर्ड बोलना, लेकिन सिलेंडर इस साइज का है ये मापन है। तो साइज हमेशा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट होगा, और शेप क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस होगा। फिजिकल अपीयरेंस का कोई वैल्यू नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट का एक वैल्यू होगा। तो हमेशा साइज एक वैल्यू के टर्म में बताई जाती है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, जबकि शेप का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता। सब कुछ क्लियर हो गया ना, बात समझ में? तो शेप आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक प्रॉपर्टी है, और साइज आपका क्या है, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। ये एकदम से सिंपल सा बात रखिए, और यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कभी भूलने की बात ना रहे। तो ध्यान रखिए, शेप सबका स्फेरिकल है, बट क्या है, साइज सबका डिफरेंट है। आगे बढ़े, शेप भी डिफरेंट। जैसे बॉल की बजाय इसी में कोन ले लिए होते, तो कोन का डिफरेंट होता। ऐसा नहीं कि सबका शेप समान हो, शेप भी अलग हो सकता है, साइज भी अलग हो सकता है, बस देख के हम जो फिजिकली बता सके वो आपका शेप है, और जब मेजरमेंट की बात आ जाए तो साइज है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, बात आई थी डिफॉर्मेशन की, बात आई थी क्या, डिफॉर्मेशन की। तो जब भी शेप या साइज में चेंज होगा, चेंज इन शेप और साइज, एक बात ध्यान सुनिएगा, चेंज इन शेप और साइज और बोथ, और बोथ आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, डिफॉर्मेशन। शेप साइज किसी में अगर परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा, डिफॉर्मेशन। सिंपल सी बात समझ में आ गई ना? तो आपको हमने सिंपल सिंपल क्या बताया, बॉडी बताया, बॉडी में आपको रिजिड बॉडी बताया। रिजिड बॉडी की बात क्या चल रही थी, कि अगर हम लोड अप्लाई करें और उसमें डिफॉर्मेशन ना हो तो वो आपका रिजिड बॉडी है। सिंपल सी बात, ऐसे नहीं केवल बोल देना कि जिसमें कोई डिफॉर्मेशन हो, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, मतलब आपकी चाहत होगी तोड़ मरोड़ दे, पर हो ना, जिद ठान लिया कि कुछ कर नहीं पाओगे जाओ, तो वो आपका रिजिड बॉडी। ठीक है, इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। सिंपल सी बात, अगर लोड लगाने पर भी डिफॉर्मेशन, अब इसी बात पर आपने कहा कि डिफॉर्मेशन क्या है, तो इसी बात पे आई शेप और साइज, और फिर हमने कहा कि अगर शेप और साइज में चेंज नहीं होता तो आप कहेंगे डिफॉर्मेशन नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन शेप एंड साइज। तो यही पे आपकी बात आज चल रहा है यहां पर, कि नो डिफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड द बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी, या इसी टर्म को हम दूसरे टर्म में बोलेंगे कि देयर इज नो चेंज इन शेप और साइज, देयर आर नो चेंज इन शेप और साइज, इफ देयर आर नो चेंज इन शेप और साइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड द बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। शेप और साइज में कोई परिवर्तन ना हो तो उसी को हम क्या कह देंगे, एप्लीकेशन ऑफ लोड पर भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। अब यहीं पे बात थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, चेंज इन शेप और साइज और बोथ, कुछ ही में चेंज हो जाना। डिफॉर्मेशन क्या हुआ,
शेप या साइज या दोनों में परिवर्तन होना ही डिफॉर्मेशन कहलाता है। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर कोई एक बॉडी है तो क्या वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है? बिल्कुल, कोई भी बॉडी है तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और जब मॉलिक्यूल से मिलके बनी है तो आप यहीं पे बात कह सकते हैं कि सर अगर एप्लीकेशन ऑफ लोड पर हमने किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस पहले नापा था, और जब एप्लीकेशन जब लोड लगाए उसके बाद भी इन दोनों के बीच सेपरेशन चेंज ना हो, इन दोनों के बीच क्या हो, सेपरेशन, देर इज नो चेंज इन सेपरेशन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, सॉरी देयर आर नो चेंज इन सेपरेशन, कोई चेंज ना हो, देयर आर नो चेंज इन सेपरेशन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल, कोई दो मॉलिक्यूल्स, एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड इज द बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी तीन तरीके डिफाइन की जा सकती है। पहला कि लोड लगाने पर कोई डिफॉर्मेशन ना हो, रिजिड बॉडी, और लोड लगाने पर अगर शेप और साइज में किसी में कोई चेंज ना हो तो रिजिड बॉडी। अगर किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच, कोई दो मॉलिक्यूल्स आपने रैंडमली चूज किया, उन दोनों के बीच का सेपरेशन लोड लगाने पर चेंज ना हो तो बॉडी रिजिड बॉडी। तीनों डेफिनेशन में आप संतुष्ट भी होंगे, आपको चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, नो डिफॉर्मेशन, नो चेंज इन शेप एंड साइज, या फिर द सेपरेशन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, द बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। इसके बाद आया डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड द there is deformation, no deformation है, there are deformation, deformation आपका क्या हो, possible हो, और deformation मतलब क्या हो, the shape and size of the object is changes। तो अगर आपका application आप load पर object का shape और size क्या हो रहा है, change हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाएगा। डिफॉर्मेबल बॉडीज आर द बॉडी ऑन विच द एप्लीकेशन ऑफ लोड द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। बात समझ में आ रही? तो अगर आपका शेप और साइज चेंज हो रहा है, या फिर एनी टू मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट तो डिफॉर्मेबल है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब आप डिफॉर्मेबल बॉडी पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द डिफॉर्मेबल बॉडी, तो वो आपका क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, या इसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या इसी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं, या सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं, सब चीजें एक ही है। तो आप बल का प्रभाव किस पे, डिफॉर्मेबल बॉडी पर पड़ते हैं। अब क्या करेगा, वो डिफॉर्मेशन कराएगा, सीयर हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, मतलब ये सारी चीजें, बेंडिंग हो सकती है, टॉर्सन हो सकता है, सबका कंबाइंड हो सकता है, क्रश हो सकता है, बकलिंग, मतलब ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो वो आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, फोर्स का डिफॉर्मेबल बॉडी पर उसके प्रभाव को पढ़ना ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसी दौरान प्रभाव क्या आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में इंटर रिलेशनशिप डेवलप करने का एनालिसिस या सिंथेसिस करना ही क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये बात आप सब लोग डिटेल में कर चुके हैं, ये पूरा पूरा आपको कंप्लीट मिल चुका है, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, एमओडी का मतलब मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या सॉलिड मैकेनिक्स। तो द एनालिसिस ऑफ द स्टडी ऑफ फोर्स ऑन द डिफॉर्मेबल बॉडी, द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफॉर्मेबल बॉडी इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और ये यहां तक हम लोग बातें कर चुके हैं। अब बात आ रही है
द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर एप्लीकेशन देयर इफेक्ट ऑन द रिजिड बॉडी इज नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स का एनालिसिस, इफेक्ट ऑफ फोर्स का एनालिसिस कहाँ पर, कहाँ पर, ऑन द रिजिड बॉडी, आपका क्या कहलाएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इफेक्ट ऑफ फोर्स का एनालिसिस अगर हम फ्लूड पर करें, अगर हम किस पर करें, फ्लूड पर, तो आपका आ जाएगा फ्लूड मैकेनिक्स। अब फ्लूड में भी दो क्राइटेरिया रहेगा, एक आपका रहेगा लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, और एक आपका कंप्रेसिबल लिक्विड जो गैस भी हो सकता है, कंप्रेसिबल फ्लूड जो गैस है। तो वहीं पर बात आएगी कि गैसियस की बात कर लेंगे, और गैसियस की बात कर लेंगे, और आगे बढ़े, मजा आ रहा है, चलिए चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम तो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और डिटेल में करते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स, द एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी इज नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बात कहां से आई थी, बात आई थी बॉडी से, बॉडी में आया रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी की हमने आपको डिटेल एनालिसिस करा दिया, और डिफॉर्मेबल बॉडी। अब फिर से चलते हैं फोर्स के पास, फोर्स से ही बात शुरू हुई थी। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट था, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट था जो क्या कर रहा था, बॉडी की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा था, या फिर अवस्था परिवर्तित कर दे रहा था, और कुछ नहीं। फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक है, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जो आपके ऑब्जेक्ट का अवस्था परिवर्तन कर दे रहा था या करने का प्रयास कर रहा था। और फोर्स ही, फोर्स और उसके एप्लीकेशन, तो पहले तो फोर्स जानना आपको जरूरी है, फिर एप्लीकेशन हम सब लोग समझेंगे कि कर क्या सकता है, वो बात का विषय होगा। तो अभी हम सब लोग फोर्स ही जानने के चक्कर में है। तो अब यहाँ पर आई थी बॉडी, और बॉडी हम सब लोग समझ गए कि इसकी अवस्था की बात हो रही है। तो इसी में बात आएगी स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी का क्या अवस्था होता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ बॉडी, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ द बॉडी दो तरीके का, एक स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब विराम अवस्था और गतिमान अवस्था। आप पढ़े भी होंगे कि स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज, स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज गतिमान अवस्था जिसको आप बोलते हैं। तो आप सिंपल सा आप हमें बताइए कि किसी बॉडी को आप गति में कैसे कह सकते हैं। आप बैठे हुए ऐसे, और बॉडी छोड़ो यार, आप गेट पर बैठे हुए हैं और आपके घर से कोई बाहर निकला, या आप कहीं रोड के किनारे बैठे हुए तो आप देख रहे हैं चीजें, तो आप कहेंगे यार ये तो भागी जा रही है गतिमान अवस्था में। तो क्या सोच के आप बोलते हैं कि गतिमान अवस्था में, अगर इस बात को आप सोच पा रहे हैं ना, तो चीजें आपको बहुत आसान लगने वाली है। आप जैसे आपके बगल में ही खटिया भी, आपके साथ भी कोई और बैठा है, सुरती बना रहा है, मजे काट रहा है, कितनी अच्छी लाइफ हुआ करती थी सावन का महीना। और जैसे इस समय का ही बात करें, तो इस समय बहुत ज्यादा खेती किसानी में भी कोई वर्क ज्यादा है नहीं, आलू खुदाई कर रहे होंगे, गेहूं की फसल अभी कुछ करना नहीं, सिंचाई हो गई तो गेहूं में एक बार कहीं सुबह शाम गई यूरिया खाद डाल दिए, चल रहा है, मजे काट रहे हैं, मस्ती का समय है, एक बहुत बेहतरीन समय कट रहा है, गुजर रहा है। इसी दौरान मान लीजिए, फील करिए कि आप और आपके दोस्त एक चारपाई पे बैठे, एक कॉट है, उस कॉट पे आप बैठे हुए हैं भाई, ठीक है। जब आप बैठे हुए हैं तो आपका दोस्त क्या आपको गतिमान अवस्था में लगता है, नहीं। अगर दोस्त का कोई दोस्त आ रहा है, दोस्त का कोई दोस्त, तो आपको लगता अरे वो आ रही है, ठीक है, या वो आ रहा है, ऐसे आप हिंट देंगे। तो जब आप कहेंगे आ रहा, तो क्या आपको गतिमान अवस्था लगता है, उसका आपको लगेगा स्टेट ऑफ मोशन है, और दोस्त से कहोगे अरे यार तुम बैठे हो जा रहे है, तो आप उससे कहोगे स्टेट ऑफ रेस्ट में क्यों हो, वो तो स्टेट ऑफ मोशन में है। तो क्यों आप स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं सब्जेक्ट को, क्यों आप स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं, सिंपल इतनी सी बात अगर जाने,
और इस बात का आंसर आप अपने से खुद से कर सकें तो बहुत बेहतर बात है। जैसे अभी हम स्टेशनरी खड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम यहीं पे ऐसे चलते हो तो आपको, अरे गुरुजी बहुत चलते हो यार, बहुत गतिमान अवस्था में हो। तो इस बात को किस बात से हम और आप तय कर रहे होते हैं? तो एक बात ध्यान रखिए, आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो एक आप क्या है, ऑब्जर्वर है, एक आप रेफरेंस है। आप अपने दोस्त को भी देख रहे हैं, आप अपने दोस्त के उनको भी देख रहे हैं, दोस्त के दोस्त को भी देख रहे हैं। तो आप ऑब्जर्वर हैं, आप रेफरेंस हैं, और आपके सापेक्ष अगर देखी जाए तो हर किसी की एक पोजीशन है, हर किसी का कुछ कोऑर्डिनेट है कि इस जगह पर ये है। देखिए, किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट ही पोजीशन है। किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कुछ भी बताओगे, जैसे किसी चिड़िया की बात करें तो 3D हो सकता है, जमीन पर है तो प्लेन पर है तो आप 2D में ही रहेंगे, ऊपर की बात अब वही उछलने लगे कोई तो उसका जेड भी बदलेगा। बातें कई तरीके हो सकती हैं, पर यहाँ कि आपके सापेक्ष हर किसी का एक कोऑर्डिनेट है आपने देखा, और उस कोऑर्डिनेट से आपने लाइन मिलाया तो एक आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया। पड़ोस में आपके दोस्त बैठे हैं, वो दोस्त का वो आ रही हैं, वो आ रहे हैं, तो आप जब पड़ोसी को देखते हैं तो उसका समय के सापेक्ष कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है और दूसरे का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, हम सब लोग ऑब्जर्व करने वाला इंपॉर्टेंट होता है कि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि स्टेट ऑफ मोशन में। और अगर सारी बातें एब्सोल्यूट जाननी हो तो आप अर्थ को ही ऑब्जर्वर माने। अर्थ को अगर आप ऑब्जर्वर जब मान लेते हैं, जब आप अर्थ को ऑब्जर्वर मान लेते हैं तो बातें हो जाती है एब्सोल्यूट, और हो सकता है कि आप भी मूविंग हो तो वो हो जाता है रिलेटिव। रिलेटिव पे और भी हम डिटेल बात करेंगे, पर आप अपने आप को अर्थ पर मान के ही बात करें। तो क्या आपके सापेक्ष उनका पोजीशन चेंज हो रहा है? अगर किस ऑब्जर्वर के सापेक्ष, अगर ऑब्जर्वर के सापेक्ष किसी बॉडी के पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है टाइम के साथ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम तो पास हो ही रहा है, टाइम कभी रुक ही नहीं सकता। मैं समय हूं, याद आ रहा होगा आपको, तो मैं समय हूं तो ये रहता ही है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जैसे हमारा ही अगर आप देखें तो टाइमर बढ़ता जा रहा है। यहाँ ऊपर आपका टाइम भी है कि कितने बजे हमने क्लास को आपके लिए रिकॉर्ड की, ऑलमोस्ट आपका 10वीं क्लास स्टार्ट हुआ। तो समय, मैं समय हूँ, समय बढ़ता जा रहा है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। यही आप कहीं कहीं बुक में लिख भी देते हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना भी बोले सफिशियंट है। इफ द पोजीशन इज चेंजिंग द बॉडी इज द स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्टेट ऑफ मोशन। अगर आपके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष तो आप गतिमान अवस्था में होते हैं, और अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप विरामावस्था में होते हैं। जैसे जो दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है वो विरामावस्था में इसी बात को लेके आप तय करते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर उसकी पोजीशन आपके सापेक्ष चेंज हो जाए आप तुरंत कहेंगे कि आप मोशन में हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गतिमान अवस्था में होता है, और अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विरामावस्था में होता है। यहाँ पर बात शुरू होती है कि देखने वाला कौन है। अगर देखने वाला खुद ही मूव कर रहा है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, आपका दोस्त भी ट्रेन में बैठा है और दोस्त का फ्रेंड बाहर है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो आप और दोस्त जब साथ साथ बैठे तो दोस्त और आपका भी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो आपको फील ही नहीं होगा कि हमारा दोस्त मोशन में है। पर एब्सोल्यूट बात क्या है? एब्सोल्यूट तो अर्थ के सापेक्ष, तो एब्सोल्यूट यह है कि ट्रेन भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं और आपका दोस्त भी चल रहा है सेम वेलोसिटी से। यहीं पे बात आके टकरा जाती है कि
रिलेटिव बात कर रहे हो कि एब्सोल्यूट बात? तो अर्थ के सापेक्ष जो बातें, जो बाहर अर्थ पे ऑब्जर्वर होगा उसको जो कुछ भी दिखेगा वो आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, और जो मोशन में खुद होगा वो जो बताएगा वो रिलेटिव बताएगा, वो एब्सोल्यूट बता ही नहीं सकता भाई। जो हमें दिखेगा वही तो हम बताएंगे, और हम खुद ही अगर भागे जा रहे हैं, हम मोशन में खुद ही हैं, तो आपको जो वही चीज दिखे एब्सोल्यूट चीजें दिखेंगी नहीं। यही भी बात आती है, पकड़ चलिए, तो किसी एक ऑब्जेक्ट के सापेक्ष दूसरे ऑब्जेक्ट का अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो मोशन में है, नहीं अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। और अगर हम यही कर पा रहे हैं, बल एक ऐसा कारक है जो एक ऑब्जेक्ट के सापेक्ष दूसरे का अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करेगा या फिर कर देगा। जैसे आप कार चल रहा है तो कार को आप स्टॉप लगा के, आप थोड़ा सा सपोर्ट लगा के रोक भी सकते हैं, या कार अगर आपका नहीं चल रहा है स्टेशनरी कंडीशन में तो उसको ढकेल के मोशन में कर भी सकते हैं, उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन को ढकेल के अपने सापेक्ष चेंज कर सकते हैं। और आप क्या लगाएंगे, फोर्स, आप क्या लगाएंगे, बल। जो कुछ भी आप लगाएंगे वही बल है जो अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है या फिर कर देता है। अवस्था आपको बेसिकली समझ में आएगी, पोजीशन चेंज ही अवस्था है। द चेंज इन पोजीशन इज नोन एज क्या होगा, चेंज इन पोजीशन इज नोन एज स्टेट ऑफ द मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट is known as state of the rest। तो अगर object का कभी भी आपका position change नहीं हो रहा तो state of rest में है, position change हो रहा है तो state of motion में है। यही करने का, यही कराने का प्रयास किसका होता है, force का, या तो कर देता है position change या करने का प्रयास करता है। तो कब position change होगा और कब position change नहीं होगा इस पर हम सब लोग आगे बात करेंगे। आने वाले समय में आप फोर्स के और भी दो चार पहलुओं को देख पाएंगे कि फोर्स कर क्या सकता है। फिर बात आएगी कि फोर्स को कैसे नापा जाए, फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसी बात पर आएगी कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। फिर हम सब लोग जब ये बात जान पाएंगे कि फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है, तो यहीं पे शुरुआत होगी कि फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। और अगर फोर्स का प्रभाव कंप्लीटली जानना है, अगर हम फोर्स के प्रभाव को सही ढंग से जानना चाहते हैं, तो फोर्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किन किन बातों को हम जानना चाहेंगे कि ये बता दो तो फोर्स अच्छे से समझ में आ जाए। यहीं पर हम लोग आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, जिसमें आपने ये सीखा कि बॉडी क्या है, लोड क्या है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन के बाद आपने शेप और साइज सीखा, फिर आपने स्टेट ऑफ मोशन भी सीखा, सॉरी स्टेट के बारे में जाना, अवस्था के बारे में जाना, और अवस्था परिवर्तन ही मतलब पोजिशन में परिवर्तन ही आपका क्या है, अवस्था। चेंज इन पोजिशन इज नोन एज मोशन, चेंज इन पोजिशन इज नोन एज मोशन। तो ये सब बातें आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, शुरुआती दौर है, बहुत धीरे धीरे चलेंगी चीजें, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें हर एक पहलू को आपको सिखाने की जरूरत है। हम आपको हर एक पार्ट को सिखाने पर फोकस करेंगे, और जब आप एक बार सीख गए फिर आप एक्सपर्ट होंगे, फिर आप तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम और आप मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ कि फोर्स की और बातें को आप जानें। फिर उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, उसी बात में आएगी सिस्टम ऑफ फोर्स, फोर्स सिस्टम किस तरीके का, सिस्टम समूह कैसा होगा, तो उस भी बात हम सब लोग डिटेल में करने वाले हैं। हर एक बात को समझेंगे और धीरे धीरे सॉल्व भी करते चलेंगे, न्यूमेरिकल भी होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।